दो फ्लोरीन, हमने बताया था ना, ए ब्रिज बिटवीन, ब्रिज बन गया ना इन दोनों के बीच में, पुल बन गया ना इन दोनों के बीच में, एच दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक इस मॉलिक्यूल का एडजेसेंट मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से, एक ये मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में ये हैं, इनके बीच में ये हाइड्रोजन के थ्रू एक एडिशनल बॉन्ड बन गया। ये तो ये बहुत फीबल बॉन्ड अट्रैक्शन है, ये वेंडरवाल टाइप का अट्रैक्शन है, लेकिन ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और काफी स्ट्रांग होता है ये। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, ये परमानेंट टाइप का है, ये परमानेंट नहीं है बेटा HCl वाला, ये वीक बॉन्ड है, ये वीक है, बहुत वीक है, ये एक तरह से बॉन्ड टाइप का ही है, कोवलेंट बॉन्ड से तो हल्का है और इससे स्ट्रांग है। इसी तरह वाटर में देखो, आप देखो वाटर क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर मालूम है आपको, देखो बैंड स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, इसमें ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव आ जाते हैं, मैंने बताया था ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल वाटर कहीं पास में आ जाए तो आप समझ सकते हो क्या होगा, आ रहा है समझ में आपके? नहीं, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे फोन पे मेरे बात कर लीजिएगा, ये अपने प्रिंसिपल्स को बता दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो ये वाटर और ये वाटर, इसके बीच में ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो इन दोनों ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक एडिशनल अट्रैक्शन जो परमानेंट प्रोड्यूस होगी, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, ज़रा से मिल जाएगा ये, लेकिन ये नहीं हिलता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मैंने बताया था ना वैंडरवाल फोर्स जो बहुत वीक फोर्स होता है जैसे ये है, और जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, इसके मुकाबले में ये वीक है, लेकिन है स्ट्रांग, उससे स्ट्रांग है वैंडरवाल फोर्सेस। तो क्या होता है, ये और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए वाटर तुम्हें मालूम होगा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड ये गैस नहीं रहते, जबकि HCl तो गैस है, लेकिन HF लिक्विड है, क्यों? ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन भाई, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन है क्वेश्चन बनता है HCl इज गैस, वेयर एज HF इज लिक्विड, वाई तो इसका रीजन अभी मैंने बता दिया, ऊपर आप लिखोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड और इसका डायग्राम बना दोगे आप, ये क्वेश्चन आप अपने आप लिखना, देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन HCl बट HF मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, ना क्या कारण बताओगे, HF मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब पास पास जुड़ जाते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया है वो आप लिख दोगे। तो ये अब आपके लिए छोड़ता हूँ, कैसे क्वेश्चन लिखोगे, इसी तरह से वाटर के लिए भी आता है, क्वेश्चन नंबर वन है ये, क्वेश्चन नंबर टू आता है
वाटर H2O इज लिक्विड, व्हाइल SO2 इज गैस। इसमें भी कारण क्या है बताओगे? सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देर इज नो हाइड्रोजन इन SO2, सो देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट, सो इट रिमेन्स एज ए गैस, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपने एक तरह से मैंने आपके लिए दे दिए, तो आप करिएगा इनको। तो ये आ गया गैसेस का क्यों लिक्विफाई होती हैं। तो नेक्स्ट अब लेक्चर मैं अब आपको देता हूँ दूंगा, वो लेक्चर होगा आपके प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का।